हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कट चॉप एंड कुक। और आज मैंने घर पे बनाए हैं ये रेस्टोरेंट स्टाइल कोल्ड कॉफी, वो भी विदाउट आइसक्रीम। तो अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो आइए बनाते हैं ये मजेदार झटपट बन जाने वाली रेस्टोरेंट स्टाइल कोल्ड कॉफी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले रखी है 2 टीस्पून कॉफी, किसी भी ब्रांड की इंस्टेंट कॉफी आपको लेनी है। और अब मैंने इसमें 2 टीस्पून डाले हैं कॉफी के, तो 2 टीस्पून ही मैं इसमें हॉट वाटर के डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स। हो गया है। इसे मिक्स करने का सिर्फ यही रीजन होता है कि हमारी कॉफी जो है एकदम अच्छे से लम्स फ्री हो जाती है जब भी हम इसे फर्दर कोल्ड कॉफी बनाते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार ले लिया है। सबसे पहले जो मैंने मिक्स बना के रखा है वो डाल दूंगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी चीनी। आप चीनी थोड़ा सा ज्यादा तेज रखिएगा क्योंकि कॉफी का फ्लेवर जो होता है थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो अगर बच्चे या उन लोगों के लिए आप बना रहे हैं जिन्हें ज्यादा तेज फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप चीनी ज्यादा डालेगा, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी आइस क्यूब्स और साथ में मैं इसमें डालूंगी कोल्ड मिल्क। कोल्ड मिल्क डालने के बाद यहाँ देखिए मैंने लिया है मिल्क पाउडर। जी हाँ, मिल्क पाउडर डालने से क्या होगा कि आपकी कॉफी बहुत ही फ्रॉथी बनेगी और इसका टेस्ट जो है बहुत रिच हो जाएगा। तो आप एक बार ये जरूर ट्राई करिएगा। पर अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप जो चीजें मैंने पहले डाली उन्हें डाल के भी आराम से बना सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैं इसमें ऐड करूंगी चॉकलेट सिरप। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं आप डालें, अदरवाइज आप चॉकलेट भी थोड़ी सी क्रश करके इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसे 30 से 35 सेकंड के लिए मिक्सी में चला लें। देखिए, हमारी फ्रोथी फ्रोथी कॉफी जो है बनके तैयार हो गई है। तो अब हम इसके लिए ग्लासेस को रेडी कर लेंगे। देखिए, यहाँ मैंने 2 इस तरह से ग्लासेस ले लिए। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक 10 रुपए वाला हर्शले सिरप का जो है एक पैकेट ले लिया है, उससे मैं थोड़ा सा ग्लासेस को डेकोरेट कर लूंगी। मैंने एजेस पे और थोड़ा सा सेंटर में लगाया है। यहाँ देखिए, मैंने थोड़ी सी शेविंग ले ली है चॉकलेट की। देखिए, ये एक सर्विंग ऑप्शन है, अगर आपको ऐसे नहीं पसंद है तो आप नॉर्मल जैसे बना के रखा है वैसे भी सर्व कर सकते हैं। तो चॉकलेट शेविंग में आप इस तरह से अपने ग्लास को एक बार डिप करें, ये कुछ इस तरह से लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी फीलिंग हमें घर पे आ जाएगी। तो ऐसे ही आप अपना दूसरा ग्लास भी रेडी कर लीजिए। देखिए, मेरे दोनों ग्लासेस जो हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं और अब मैं अपनी कोल्ड कोल्ड कॉफी इसमें पोर कर दूंगी। अब ऊपर से हल्की हल्की मैं ये चॉकलेट जो है शेविंग्स थोड़ी सी वो डाल दूंगी। आप चाहें कोको पाउडर या चॉकलेट पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमारी बहुत ही मजेदार फ्रॉथी क्रीमी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली कोल्ड कॉफी बिना आइसक्रीम के घर में बनके तैयार। आई होप आपको ये रेसिपी जो है अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब आप ऐसे ही मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए और मैं बहुत जल्द मिलूंगी एक नई और रिफ्रेशिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।